मेरी क्रिसमस ऑल ऑफ यू स्वागत है आपका अपने चैनल प्राइम टीम्स पर आ चुके हैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो इस वीडियो में अपन बात करेंगे ट्वेंटी फर्स्ट मैच बी बी एल ट्वेंटी ट्वेंटी वन जो कि होने वाला है पर्स कोचेस वर्सेस मेलबर्न रेडी ये वाला मैच होगा कल ट्वेंटी सिक्स दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन टाइमिंग्स रहेगी थ्री फोर्टी फाइव पी एम साढ़े बारह के करीब जो मैच है उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है आप जाकर चेकआउट कर देना आ, ये वाला इस मैच का वैन्यू रहेगा पर्थ क्रिकेट स्टेडियम पर ठीक है भाई पीछे पोर्ट की बात करूँ तो भाई जो ये पीछे दोनों को इक्वली एजस्ट करेगी बैट्समैन और बॉलर्स को विनिंग द टॉस तो आप बटिंग फर्स्ट ज़्यादा प्रेफर रहेगा टॉस जीत कर इस वैन्यू पर अगर मैं बात करूँ तो वेदर अपडेट की बात करूँ भाई बहुत ही सनी वेदर रहेगा फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस की बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहेगी कल के दिन बात करूँ तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होता फटाफट जाकर लाल बटन ठोक दो अभी तक बेलाइकन प्रेस नहीं किया होता फटाफट जाकर बेलाइकन भी प्रेस कर देना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो भाई किस चीज़ का वेट कर रहे हो फाइनल टीम्स टेलीग्राम पर आएगी भाई टॉस के बाद कुछ भी टीम्स में चेंजेस रहेंगे अपडेट्स रहेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूँगा तो इसलिए भाई हमारी चार हज़ार एक सौ मेबर्स की फैमिली का आप भी पार्ट बनो फटाफट फटा जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अब तो आगे चलते हैं वीडियो की तरफ तो भाई जो रिसेंट मैच हुआ था पर्स परस्कॉर्च्स और मेलबर्न रनिंगेट्स का उसमें स्कॉचर्स ने दो सौ सात रन स्कोरबोर्ड पर ठूक दिए थे और वन एटी सिक्स रनस पर रनिंगट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था पर्स परस्कारचर्स ने इस मेगा इवेंट में अब तक पाँच मैचेस खेले और पाँचों के पाँच जीते हैं और फर्स्ट चल रहे हैं भैया पॉइंट टेबल पर बात करूँ तो भाई अगर मैं रेनेगेट्स की बात करूँ तो भाई ये बॉटम में तो पॉइंट्स टेबल है इन्होंने चार मैचेस में से अपना एक मैच जीता है ठीक है भाई मतलब पॉइंट्स ऑफ द जो पहले स्थान पर है पॉइंट्स टेबल पर जो आखिरी स्थान पर है उनकी आज भिड़ंत होगी ठीक है भाई नीस्ट देखें तो भाई ट्वेंटी थ्री टोटल खेले गए हैं पंद्रह मैचेस पहले बैटिंग करते हुए टीम जीती है और आठ मैचेस पहले बैटिंग करती है टीम आ रही है ठीक है भाई टोटल ट्वेंटी थ्री मैचेज हुए हैं हाईस्ट स्कोर है टू हंड्रेड थर्टीन का लोएस्ट स्कोर है सेवेंटी नाइन का ठीक है अब मेलबर्न नैनीगेट्स के रिकॉर्ड देखूँ स्टेडियम पर तीन मैचेस खेले हैं एक जीती और दो हारी है वहीं अगर मैं स्कॉचर्स की बात करूँ तो बाईस मैचेस खेले हैं तेरह जीती और नौ हारी है पर्स क्वेश्चन का अच्छा परफॉर्मेंस रहता है इस स्टेडियम में बात करें तो मेलबर्न नैनीगेट ठीक ठाक परफॉर्म करके दे देती है रिसेंट मैचेस की बात करें तो भाई यहाँ से आपको एक साइकिल दिखेगा जब जब 150 प्लस रन बने हैं तब तक वो बिल्कुल भी चीज़ नहीं हो पाए भाई इस स्टडियम पर सिर्फ एक ही मंत्रा वन फिफ्टी प्लस रन बनाओ और मैच जीत जाओ बाकी आप भाई जो मैंने आपको बताया हुआ है वीडियो पॉज करके देख लेना अगर मैं आपको पूरा सब कुछ बताने चाहूँगा तो भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ठीक है तो अपन आगे चलते हैं वैननी परफॉर्मेंस थोड़े देख लेते हैं हाँ यहाँ से आपको एरन फ्रेंस परफॉर्म करते हुए दिख जाएंगे बी बी एन टीम मैचस खेले हैं इस वेन्यू पर फोटी फोर रन बनाए हैं और टी ट्वेंटी में एक मैचेस खेले इसमें फिफ्टी टू रन जड़े हैं यहाँ पे आपको टर्नर दिखाएंगे थ्री फोर्टी वन रन के साथ बैंक्रॉफ दिख जाएंगे सेवनटी फिफ्टी इनिंग्स में थ्री फिफ्टी रन के साथ कॉलिंग ओनरो दिख जाएंगे आपको छः मैच में टू सेवनटीट रन के साथ जॉस इंग्लिस आपको दिख जाएंगे तेरह मैचे में टू नाइनटी सेवन रन के साथ पैटरसन आपको दिख जाएंगे छः इनिंग्स चार इनिंग्स में फन फिफ्टी टू रन के साथ बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस पेटर्सन का रहता है स्टेडियम पर जब जब खेलते हैं मार्च की बात करूँ तो भाई पंद्रह में से थ्री एटी वन रन बनाए स्टेडियम पे बिग बैश की अगर मैं बात करूँ तो, तो अपन अब थोड़े तो बॉलर्स के रिकॉर्ड देखें स्टेडियम पे आ, तो यहाँ से आपको एंड टाई आपको दिख जाएंगे तेईस विकेट लेते हुए यहाँ से आपको झारे चट चन जो कि एस में तो उनकी बात करने का मतलब नहीं है जैसे भैरेंडोफ आपको ग्यारह विकेट लेते हुए दिख जाएंगे कैली आपको सोलह विकेट लेते हुए दिख जाएंगे जो कि आपको पेंच में दिखेंगे ठीक है एसटन एगा आठ विकेट यहाँ से लेते हुए दिख जाएंगे हार्डीप छः और एंडू टाई ओडीआई में पाँच विकेट लेते हुए दिख जाएंगे ठीक है वैन परफॉर्मेंस की बात तो कोई अपर स्कॉचस के स्कॉट की तरफ चल लेते हैं झाइटन अवेलेबल है ऐसे खेलने गए हैं प्रॉब एलेवन एलेवन क्या रहेगी जॉस इंग्लिश और कटेस पैटर्सन ओपन करने आएंगे पिछले मैच में बैनक्रॉफ्ट ओपन करने आए थे मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई कटेस पैटरसन इस मैच में फिर से वापसी करेंगे भाई बैनक्राफ्ट ने भी पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था तो ये भी सकता है कि भाई जॉर्स इंग्लिश को बाहर बैठना पड़े और बैनक्रॉफ्ट जॉस इंग्लिश की जगह वापसी करें तो देखते हैं भाई इंटरेस्टिंग रहेगा ये चीज़ की टीम के स्कोर तारना चाहिए ठीक है तो जॉस इंग्लिश का पिछले में शानदार परफॉर्मेंस नहीं रहा है पर पिछले टॉन टनामेंट पिछला जो सीजन हुआ था बी का उस बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा था तो मैं हो सकता है इनको फिर से बैक करूँ कटिस पैटरसन पिछले रिसेंट मैच में अच्छा स्कोर नहीं था पर जब मैंने याद हो तो मैंने जो वीडियो बनाई थी पर स्काचर्स की वर्सेस जो मैच हुआ था मेलबर्न नहीं उसके पहले बार जो मैच हुआ था उसमें तो मैंने कटिस पैटरसन को भाई बहुत ही बुरी तरीके से लज्जित किया था तो उन्होंने भाई बदला लेते हुए और उस दिन सेवेंटी एट रंस ठूक दिए थे भाई बहुत ही क्लास किया था मेरे को उस दिन पता चला मिचल मार्च तो तीन नंबर बैटिंग बैठेंगे दोनों के बारे में आपको मैंने बताई दिया है आ, मिचल मार्च बहुत शानदार फॉर्म में चल रहा है स्टॉन में मैंने बात करूँ तो आपको एटी सिक्स हंड्रेड सेवनिटी सेवन बहुत शानदार फॉर्म में चल रहा है पिछले मैच में एटी सिक्स में मैच आ रहे हैं साथ साथ आपको एक विकेट भी देखे गया था पिछले मैच में कॉल मंड्रो की बात करूँ तो भाई जो स्टार्टिंग के मैचेस हुए थे जो आपको बड़े बड़े स्कोर दिख रहे हैं उसमें ओपन कर रहे थे पर अभी इनको रचे उतारा जा रहा है तो इसलिए इनका थोड़ा परफॉर्मेंस स्लाइडली डाउन होते जा रहा है एचन टर्नर की बात करूँ तो एक बहुत ही शानदार जेल के लिए वैल्यूल पिक रह सकते हैं दो तीन और आपको डाल के देंगे साथ ही साथ बैट से भी दस बीस रन बना के दे रहे हैं तो आप जरूर इनको एक टीम में सी जरूर ट्राई

जैसन हम भर की बात करें पास में आपको कॉल डालते डालते तो हो देखेंगे पिछले मैच में एक विकेट मिला बाकी आप इनके रिकॉर्ड से देख सकते हो टाइम मिल से कॉल डेथ होगा स्पेशलिस्ट इनके रिकॉर्ड्स में आप देख सकते हो पिछले मैच को छोड़ के अच्छा परफॉर्मेंस रहा है स्लाइडली आपको दोनों एक दो मैचेज में अच्छा परफॉर्मेंस है और बाकी मैच में आप यहाँ पे देख ही सकते हो भाई हर एक मैच में आपको एक दो विकेट देते हुए दिख जाएंगे बैन से बात करूँ तो मैथ्यू लिए आ सकते हैं टीम में और एरान हार्टी आ सकते हैं बैंक ऑफ का सीन मैंने आपको बताई दिया है तो आप बेंच के रिकॉर्ड हुआ वीडियो पॉज करके जरूर देख लेना मैंने बनाने के इसके स्कॉट की तरफ चलते अन अनअवेलेबल रहेंगे मार्कस सहरस एसियस खेलने गए हैं शॉन मार्श इंजर्ड रहेंगे और भाई एक और इंजर्ड प्लेयर अरुण फ्रेंच के पिछले मैच में वापसी हुई सिक्स एट रन के साथ बहुत ही शानदार कम बैक इन्होंने बात करूँ तो भाई हार्वे और फ्रेंच ओपन करने आएंगे हार्वे का पिछले के पिछले मैच में बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा था सेवेंटी वन रस के साथ पिछले मैच में डक हो गए थे अनफॉर्चुनेटली तो ये दिन ओपन करने आएंगे निक मेडिसन आपको तीन बार बैटिंग करते हुए देख जाएंगे उनके आप रिकॉर्ड देख सकते हो पिछले मैच में अच्छा साथ दिया उन्होंने अरोन फ्रेंच का सबसे अच्छे रन के साथ बाकी आप इनके रिकॉर्ड यहाँ पर देख सकते हो जे एक फ्रेजर की बात करूँ तो भाई आपको लेग ब्रेक बॉलर है साथ ही साथ चार नंबर बैटिंग करते हैं कोई खासा रिकॉर्ड दिखा नहीं यहाँ पे एक अच्छे के फिक बन भाई ऐसे जो प्लेयर्स रहते हैं ना देखो यहाँ पे 45 फाइव रन बनाए फिर तीन से यहाँ परफॉर्म नहीं किया यहाँ 30 रन बनाए तो इसमें इसमें बड़ा स्कोर कर सकते हैं तो जी के एक अच्छे पिक बन सकते हैं इस मॉल में मैं इनको ट्राई बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ मोहम्मद नबी की बात करूँ तो भाई कुछ अच्छा खासा सीजन गया नहीं इनका मैं बात करूँ तो बी में इनका परफॉर्मेंस सामने देख ही सकते हो कुछ बोलने की जरूरत है ही नहीं ठीक है वेल सदरलैंड की बात करूँ तो बॉल से आपको विकेट लेते हुए नहीं दिख रहे हैं सीज़न बात करूँ तो पिछले तीन मैचों में तो खासकर नहीं मिले उसके पहले जरूर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे और बैट भी आप पार दस के दे देंगे तो आपको भाई एक चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी आपको मोहम्मद नबी ले जाना है वेल्थ सदरलैंड दोनों में से आपको एक प्रेफर करना पड़ेगा मैं कैसे ले जाऊँगा मैं आपको अपनी एलेवन चैलेंजर्स की टीम में जरूर बता दूंगा अब भाई जैसे कि एरोन फ्रंस की पिछले मैच में वापसी हुई सैम पर को नीचे उतरना पड़ रहा है तो भाई वही नीचे इतने वैल्यूबल के बनेंगे नहीं इनका आप सिलेक्शन परसेंटेज देखोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा पर यार नीचे यार मेरे को लगता नहीं इतने वैल्यूबल पर रहेंगे ये ठीक है अब मैं और बात करूँ तो यहाँ से आपको कैन रिचडसन दिख जाएंगे भाई कंसिस्टेंट विकेट लेते हुए ज़हिर खान आया यहाँ से आपको दिख जाएंगे कंसिस्टेंट विकेट लेते हुए जेम्स पेटिनसन के आप रिकॉर्ड इधर देख सकते हो जेम्स जम्स के लेंगे फिर जैक्स प्रेस्ट्रच प्रेस्ट का एक हेड टू हेड के मैच में अच्छा परफॉर्मेंस रहा था मैं आपको और बताऊंगा जब मैं अपन हेड टू हेड के सेक्शन पे चलेंगे रीस टॉपले की बात करूँ तो पिछले दो मैच में विकेट नहीं मिलेगा तो एक अच्छे भाई एस के लिए डिफरेंशियल पिक बनेंगे स्मॉल लीग में एक डिफरेंशियल पिक के रूप में इस मैच में ये उभर के आ सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि तो भाई रीस स्टॉपले आपको पता है ये बहुत शानदार बॉल है लेफ्ट आर्म मीडियम पिक डालते हैं एक दो पावर पेक में डाल के दे देंगे और अच्छा परफॉर्मेंस करके दे देंगे एक अच्छे वैल्यूअल पिक बन सकते हैं स्मॉल लीग के लिए ठीक है बाकी आप यहाँ पे इन सब के रिकॉर्ड्स देख ही सकते हो बेंच की बात करूँ तो बेंच भाई आप वीडियो पॉज करके देख लेना अगर मैं सब कुछ डिस्कस करने जाऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी है ना बच्चों तो के बेकार लिख करके आप एक बार वीडियो पॉज करके देख लेना ठीक है अपन अब लास्ट फाइव मैचेस की हेड टू तो हेड समरी पर चलते हैं तो यहाँ से आपको मिचल और इवंस तो देखेंगे मिचल मार्स की एट्टी सिक्स लोरी वन की फोर्टी टू तो जो रिसेंट मैच हुआ था मैं उसकी बात कर रहा हूँ ठीक है एरन थे जहाँ से आपको सिक्सटी रन बनाते तो हुए देखेंगे और मेडिनसन सिक्सटी सेवन रिचडसन तीन तो विकेट लेते हुए तो देखेंगे पेटिन सनिक विकेट लेते हुए और एस निकॉर और मिचल मार्च आपको दो और एक विकेट लेते हुए दिख जाएंगे और स्कॉचर्स और मैच यहाँ पे एक और जॉस इंग्लिश की बहुत ही बेहतरीन इनिंग्स जॉस इंग्लिश को भाई टीम में लेने की मेरी यही वजह है कि भाई हेटा अगर छान बहुत शानदार परफॉर्मेंस है अगर इनको टीम से बाहर नहीं निकालते हैं तो भाई जॉस इंग्लिश बहुत शानदार डिफरेंशियल पिक बनेंगे आपकी स्माल लीग की टीम में तो भाई अगर ये इलेवन में रहते हैं जरूर उनको ट्राई करना हो सकता है ओपन भी आ जाएँ ठीक है तो यहाँ से आपको फिफ्टी टू रन देखेंगे यहाँ से आपको प्रेस्टेज के थर्टी थ्री रस देखेंगे प्रेस्ट के दो विकेट भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे साथ साथ एरो हार्डी के दो विकेट यहाँ दिख जाएंगे प्रस्ट्रेज में आपको बोल रहा था भाई इनका एक हेड स्ट हैड टू हेड के मैच में एक अच्छा परफॉर्मेंस है वो यही मैच है ठीक है अब मैं और आगे चलूँ तो एरोन हार्डी यहाँ से आपको फिर से ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस देते हुए देखेंगे थर्टी थ्री रन मनाते हो दिख जाएंगे एसचन टर्नर जो मैं आपको बोल रहा था दस बीस रन आपको हर एक मैच में मना के दे सकते हैं तो यहाँ से इन्होंने चौबीस रन का योगदान दिया अपनी टीम में यहाँ से के रिश फिर से आपको तीन विकेट लेते हुए देखेंगे झारी झारिचन एशियस के लिए गए हैं बात करने की जरूरत नहीं है चौन मार्च इंजर्ड है और एरन फिंस पैंतीस रन बनाते आपको दिख जाएंगे ठीक है मेलबर्न एनिगेट्स एक और मैच यहाँ सेमह हार पर आपको दिखेंगे सेवेंटी थ्री रन बनाते हुए वेबस्टर फिफ्टी नाइन रन बनाते दिख जाएंगे झाई रिचर्डसन जो एस एस गए उनके तीन विकेट साथ ही साथ मचल मार्च के दो विकेट ठीक है यहाँ से आपको इंग्लिश फिर से दिख जाएंगे फिफ्टी रन फिफ्टी वन रन बनाते हुए किन रिचर्डसन आपको यहाँ से फिर से एक विकेट लेते दिख जाएंगे गुलीसन के तीन विकेट भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे अगले में चलूँ तो यहाँ से मिचल मार्च भाई फिर से इनके फिफ्टी सिक्स रन मिचल मार्च का नाम लेते लेते थक गए भाई इतने बार मचल मार्च का नाम आ रहा है पर क्या ही कर सकते हैं भाई परफॉर्मेंस किया है तो भाई थोड़ी इनको शाबाशी तो देनी पड़ेगी मिटन मार्च के फिफ्टी सिक्स के फिफ्टी वन ठीक है कैनिजार्सन के चार विकेट डीजन का एक यहाँ से बी के सिक्सटी सेवन रन और यहाँ से क्रिस जॉर्डन के दो विकेट ठीक है भाई तो ये तो हो गई हेड टू हेड समरी की बात अब आपको इकट्ठा करके बता देता हैं किसी को इसमें समझ में नहीं आया तो इकट्ठा क्या परफॉर्मेंस रहा है भाई दो मैच सात इनिंग्स में वन हंड्रेड नाइन रन बनाते हुए देखेंगे बैंकऑफ आपको यहाँ दिख जाएंगे पांच इनिंग्स में एक सौ तीन रन बनाते हुए मुनरो दिख जाएंगे तीन इनिंग्स में बहत्तर रन बनाते हुए इंग्लिश आपको दिख जाएंगे पाँच मैचेज में वन फोटी रन बनाते हुए मार्च आपको दिख जाएंगे एट मैचज में टू सिक्स रन बनाते हुए एरान फेंच आपको दिख जाएंगे ट्वेल्व मैचेज में थ्री हंड्रेड बनाते हुए बाकी आप यहाँ देख सकते हो आपको ट्वेल्व इनिंग्स में टू रन बनाते हुए दिख जाएंगे और हार पर आपको पाँच इनिंग्स में एक रन बनाते हुए दिख जाएंगे

ठीक है तो यहाँ से मेडिनसन को पाँच विकेट मिले हैं भाई मैं आपको बोला था बॉल भी डालते हैं मेडिनसन लाइर कान को चार विकेट मिले हैं ठीक है तो भाई हेड तो टू हेड ओवरऑल परफॉर्मेंस की मैंने यहाँ बात कर ली अपन अब अप टॉपिक्स देख लेते अपनी क्या क्या रहेगी इस मैच से ठीक है भाई मिशेल मैं बहुत ही शानदार टच में देखें इस टूर्नामेंट में अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने रिसेंट मैच में एटी सिक्स रन स्कोर किए थे सिर्फ फिफ्टी थ्री बॉल्स में तो भाई तीन मैचेस से जो उनका परफॉर्मेंस रहा है बहुत ही शानदार रहा है दो सात रन इन्होंने अपने सब रिसेंट तीन मैचेस में मना है एक बहुत ही शानदार भाई बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं मिशन मार्च की अगर मैं बात करूँ तो ठीक है एशन एगार ने भाई आखिरी मैच में दो विकेट लिया था तो मैं उम्मीद करता कर्क कि वो इसने अपने इस फॉर्म को इस मैच में भी कंटिन्यू रखेंगे और साथ ही साथ आपको एक दो विकेट जरूर देखे जाएंगे एरोन फिंच का जो आखिरी मैच में कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था कम बैक किया था इन्होंने और सिक्सटी एट रनस की इनिंग्स खेल के गए थे तो एक बहुत ही क्रुशियल इनिंग्स थी जो अपनी टीम को जीत दिलाने में तो नहीं पर हाँ मतलब थोड़ी पास दिलाने में जरूर मदद की थी एरन फिंच की सिक्सटी रन्स की इनिंग्स में तो इस मैच में उम्मीद करूँगा कि भाई एरन फिंच सिंगल हैंडेडली पचास सौ रन बना अपनी टीम को जिता है पिछले मैच का बदला लेना जरूरी है भाई एरन फेंस भैया सुन लो ठीक तो है तो अपन आप चलते हैं सीधा अपने इलेवन चैलेंजर्स टीम की तरफ हाँ तो भाई मैं आ गया हूँ अपने इलेवन चैलेंज की तरफ आपको इलेवन चैलेंज के बारे में नहीं पता हो तो भाई ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ के लिए भी कॉम्पिटन के साथ टीम बना सकते हो साथ ही साथ यहाँ पे आपको टीम इलेवन से बहुत ही कम कॉम्पिटिशन देखने को मिल जाएगा ठीक है भाई मैं अभी यहाँ से उम्मीद कर रहा हूँ कि बैनक्राफ्ट टीम से बाहर नहीं हुए हैं तो बैनक्राफ्ट भाई टीम में है तो ठीक है तो बैंक्रॉफ्ट को भाई मेरे फर्स्ट पिक रहेंगे विकेट कीपर मार करो सर वहाँ का वही इशू रहेगा भाई डाउन बैटिंग करेंगे अगर कुछ भी अपडेट रहता है भाई एलेवन में मेलबर्न रेन के अगर आपको वहाँ पर ऊपर बैटिंग करने आएगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा ठीक है तो यहाँ से आपको बैनक्राफ्ट भाई सिंगल हैंडेडली भाई नो

ठीक है यहाँ से विकेट कीपिंग सेक्शन से जॉस इंग्लिश ले लिए अब मैं बैटिंग सेक्शन से बात करूँ तो मैंने निक मेडिनसन को ड्रॉप किया है पता नहीं क्यों थोड़ा सा रिस्क लेने की इच्छा हो तो रही थी इसलिए मैडनसन को ड्रॉप किया यहाँ से मैंने कॉलीमंडो को उठाया और एरन फिंच को उठाया है ठीक है अब ऑलॉन्डिंग सेक्शन पर चलते हैं ऑलॉन्डिंग सेक्शन से भाई मैंने मैथ्यू मिचल मार्च और मोहम्मद नबी को पिक किया है अगर आप चाहते हो तो नबी को छोड़ के आप एसनेगार को भी ले सकते हो पर भाई नबी का अच्छा परफॉर्मेंस इस मैच में रहेगा ऐसे मेरे को अंदर से थोड़ी ऊर्जा आ रही है तो इसलिए भाई मोहम्मद नबी को मैंने पिक कर लिया ठीक है अब बॉलिंग सेक्शन से चलते भाई किस किस को लिया है मैंने यहाँ से किन रिचर्डसन उठाए हैं एंड्रू टाई उठाया है जहीर खान उठाए हैं और टाइमल मिल्स उठाए हैं और रीस टॉपले के क्यों मैंने इनको लिया इसकी वजह मैंने आपको वीडियो में डिस्कस कर ली थी ठीक है बाबा आगे चलते हैं हज जुक एक शानदार पिक बन सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टनशिप मैंने किसको दिए तो मैं आपको बता देता हूँ एंड्रू टाई को वाइस कैप्टनसी मैंने ऑफर की साथ ही साथ मचल मार्च को कैप्टनशिप ठीक है भाई अगर आपको थोड़ा सा सेफ जाने की इच्छा हो तो आप एरन फिंच को भी वाइस कैप्टन बना सकते हो और अगर आपको और थोड़ा सा इसके लिए जाना हो तो आप कॉलेज इंडो को भी ऐसा वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो अभी के लिए मैंने एंड्रू ट्राई को वाइस कैप्टन ऐसा ट्राई किया है कि भाई डेथ ओवर्स में ये बॉल डालने आते हैं दो तीन विकेट जरूर देखे जाएंगे भाई आपको ये सोच से मैंने एंड्रू ट्राई को एज अ वाइस कैप्टन ट्राई किया है तो भाई ऐसी कुछ रहेगी मेरी टीम अगर आपको ये टीम पसंद आई हो अगर आपको डिटेल एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो चैनल पर सबको सब्सक्राइब कर देना वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर देना भाई और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहना तो आपसे मिलेंगे ऐसी किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर